आप देख रहे हैं तेजल मीडिया, इस वक्त आदर्श स्टेडियम बाड़मेर की ताजा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों की पूरी भीड़ आपको यहां नजर आ रही है। पिछले कई दिनों से ये लोग हड़ताल पर उतरे हुए थे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण को लेकर युवा बेरोजगार जो पुरुष अभ्यर्थी है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। भजनलाल सरकार का जैसे ही ये निर्णय आया, सरकार के गले की फांस बन गया। प्रदेश भर के अंदर ऐसे विरोध की खबरें आ रही है। जिला मुख्यालय पर 20 दिन पहले आदेश आते ही एक दिन बाद युवाओं ने विरोध किया, उसके बाद जयपुर में विरोध हुआ, अब जो है कमर कस ली है इन्होंने। हालांकि सरकार की ओर से दावे किए गए हैं कि केवल L1 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ही ये दिया गया है, लेकिन छात्र नेताओं का, बेरोजगार संघ के नेताओं का कहना है कि सरकार केवल गुगली क्यों पकड़ा रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में तरीके से सिलसिलेवार सब में अगर आरक्षण लागू करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुंडली मारकर हमारे हकों पर सरकार क्यों बैठी है, जबकि हमारे पुरुष युवाओं के भर्तियों का सपना हम देखने वाले लोग, मेहनत कश लोग, कैसे माँ बाप पैसा दे करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकार भर्तियां तो निकालती नहीं है। लेकिन अब जो है पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के बीच में एक लड़ाई और खाई पैदा कर दी है सरकार ने। छात्र नेता है यहाँ बेरोजगारों के, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज मीणा है और राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भजनलाल सरकार जब से इस बिल को लेके आई है, पूरी राजस्थान की युवा शक्ति लगातार सड़कों पे उतरकर विरोध कर रही है। सबसे पहले 20 तारीख को भी हमने भजनलाल सरकार को हजारों छात्रों के साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर में झुकाने का कार्य किया। उस समय भजनलाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं से कहा था कि हम तो इसको L1 में लागू करेंगे, लेकिन आए दिन अखबार में फिर से ये खबरें आना शुरू हो गई कि हम तो इसको सब भर्तियों में लागू कर रहे हैं। उसके बाद भी जब 5 तारीख को जयपुर की धरती पर दोबारा आंदोलन किया तो भजनलाल की सरकार बार बार गिरफ्तार करती है, तानाशाही रवैये पर उतारू है और बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को दबाना चाहती है। मैं भजनलाल जी से कहना चाहता हूँ, भजनलाल जी आपको 50% आरक्षण अगर भर्तियों में लागू करना है तो इसकी शुरुआत अपने घर से करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भजनलाल सरकार में 25 मंत्री है जिनमें से मात्र 2 महिलाओं को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है। 50% की शुरुआत आप वहाँ से करिए, 12 महिलाओं को मंत्री बनाने का कार्य करिए तो युवाओं को लगेगा 50% की बात कर रहे हो आप। सबसे पहले प्रदेश की मुखिया किसी महिला को बनाइए जिससे बेरोजगार युवाओं को लगेगा कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है। साफ सीधी सी बात है, भजनलाल सरकार इस पे महिला सशक्तिकरण के नाम पे इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और लगातार जब युवा बात करते हैं तो युवाओं को इनके द्वारा डराया जाता है, धमकाया जाता है। और आज हम जयपुर से चल के यहाँ बाड़मेर की पावन धरती पर पहुँचे हैं और हम चाहते हैं कि बाड़मेर का पूरा युवा एकजुट होकर यहाँ से आवाज़ बुलंद करे और भजनलाल सरकार को आईना दिखाने का कार्य करे। अगर इस बिल को भजनलाल सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में जब बाई इलेक्शन होंगे तो ये राजस्थान का युवा भजनलाल सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगा, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं का जिस प्रकार से हक मारा जा रहा है ये कहीं भी न्याय उचित नहीं है कि आप अपनी राजनीति के लिए बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करो। तो मैं सरकार से अभी भी कहना चाहता हूँ कि भजनलाल जी आपके पास में अभी भी समय है, आप इस बिल से अपने कदम पीछे हटा लीजिए, नहीं आपको आने वाले समय में राजस्थान में बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और आप जो 5 सीटों पर अब चुनाव की तैयारी कर रहे हो, 5ों में तो 0 मिलेंगी आपको, ये तो तय है, क्योंकि राजस्थान के युवाओं ने पूरा मन बना लिया है जिस प्रकार से आप उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे वहाँ पर भी आपको इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं अभी भी समय कि भजनलाल सरकार पीछे हटे और युवाओं के साथ में न्याय करे। आप कहाँ से बता रहे हैं सर? मैं जयपुर से आरक्षण संघर्ष समिति से, मैं योगेश यादव। मेरे ये जो तमाम साथी बैठे हैं, आप ये देखिए कि छात्र हितों के साथ कैसे भजनलाल सरकार अन्याय कर रही है। आरक्षण के नाम पर हमेशा पदों में कटौती होती आई है और अब महिला आरक्षण के नाम पर जो कुठाराघात छात्रों पर हुआ है ये सरासर अन्याय है। सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना ही होगा। आप ये बताइए, अगर आप आरक्षण को बायोलॉजिकल, अगर तथ्यों के आधार पर आप उन्हें सीटों में वर्गीकृत करोगे तो लास्ट में आके कुछ 10-12% ही आरक्षण मात्र छात्रों को मिलता है और ये बिल्कुल इनके हितों के ऊपर कुठाराघात है। कभी रोस्टर विसंगति के नाम पर तो कभी आरक्षण में उनके पदों बैकलॉग के नाम पर, हमेशा आरक्षण के अंदर जो गड़बड़ी होती आ रही है इसको सरकार ने बढ़ावा दिया है। तो हमें सरकार से हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हम आंदोलन राजधानी से लेकर दौसा, अलवर जो सब जगह कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरकार को इस पर पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। सरकार के साथ आपकी वार्ता हुई,
आपको भरोसा नहीं सरकार पर? जी बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार को ये चीज करनी है, तृतीय श्रेणी एल वन में ही दे रहे हैं आरक्षण महिलाओं को। सर अगर उनको आरक्षण देना ही है तो एक बार सारी समीक्षा क्यों नहीं करते आप बैठा कर? आपके खिलाफ महिला अभ्यर्थी सड़कों पर उतर रहे? नहीं नहीं, कोई महिला अभ्यर्थी सड़कों पर नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे हक के लिए पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिला है, आरक्षण विरोधी मानसिकता रखते हैं पुरुष, इसलिए हम भी सड़कों पर उतरे। नहीं नहीं नहीं, कोई भी महिला नहीं है, ना ही किसी महिला ने आंदोलन किया, ना ही कई महिलाओं की कोई बैठक हुई, ना ही कई महिलाओं का कोई मंडल मुख्यमंत्री से मिला। ये सरासर इन्होंने बैठकर जो भी किया बिल्कुल मुख्यमंत्री एल वन में आप राजी है? एल वन तक का मामला नहीं सर, बिल्कुल राजी नहीं है, बिल्कुल हकों की बात होनी चाहिए, बिल्कुल हकों की बात होनी चाहिए, और जो छात्रों के साथ है वो बिल्कुल न्याय होना चाहिए बराबर का। अगर सरकार देना चाहती है, अगर सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम सर ये सरकार खुद लिंग भेद कर रही है, इसका मतलब तो बिल्कुल कर रही है। अगर सरकार को करना ही है तो सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल में करे, विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, आप मुझे बता दीजिए कि कितनी सीटों के ऊपर उन्होंने महिलाओं को टिकटें दी या कितनी महिलाओं मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया। सरकार के लोगों को आरोप है कि ये पढ़ाई तो करते नहीं है और हम भर्ती निकालते हैं ये खिलाफ। अरे सर ये सारे किसान कौम के छात्र हैं, ये सारे पढ़ने वाले छात्र हैं और ये अपने घरों से महंगी फीस दे के जयपुर जाते हैं, बाड़मेर ये पढ़ रहे हैं, ये अपने घर की महिलाओं को मौका क्यों नहीं देते? ये आरोप है सरकार के प्रति। अरे सर सारा हम बराबर की बात करते हैं, लिंग भेद की बात सरकार कर रही है, हम बिल्कुल नहीं। जिन महिलाओं को आरक्षण मिलेगा वो इन्हीं परिवारों में से, उन सरकार के प्रतिनिधियों का आरोप है। सर इनका क्या होगा आप बताइए, आप बराबर की बात क्यों नहीं करती? सरकार बराबरी की बात करे अगर देनी है, ये 50% में खुश हो जाए और बाकी भर्तियों में मजे से तैयारी करे। नहीं 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 सर बिल्कुल नहीं, हमें बिल्कुल बराबरी का मौका सबको मिलना चाहिए और सबको बराबरी की बात होनी चाहिए। अगर सरकार को देना ही है तो अगर जातिगत जनगणना करवा ले कि कितने ये मामला जातिगत जनगणना करा कर आरक्षण उसके हिसाब से दे। बिल्कुल बिल्कुल ये जातिगत जनगणना करवा ले कि कितने पुरुष है कितने महिलाएं हैं और उसके हिसाब से इनको आरक्षण दे दे अगर सरकार को देना ही है तो आप राजी है? बिल्कुल सर बिल्कुल राजी है हम, लेकिन अभी जो सरकार कर रही है इस मामले में आप पीछा नहीं छोड़ने वाले? बिल्कुल हम सर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक सरकार पुनर्विचार नहीं करेगी। छात्र नेता जयपुर से भी यहाँ पहुंचे हैं, इन्होंने कमर कस ली है, किसी भी मामले में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण इन पुरुष अभ्यर्थियों को बेरोजगार संघ को मंजूर नहीं है। सरकार हमारे साथ कुठाराघात कर रही है, साथ ही लिंग भेद की शुरुआत सरकार कर रही है, महिला और पुरुष का घर में झगड़ा लगाने वाली सरकार है। सरकार चाहती तो टेबल टॉक के माध्यम से इस मामले को सुलझाया जा सकता था। जयपुर में वार्ता भी हुई लेकिन छात्र नेताओं को संतुष्ट करने में असफल रही सरकार। इनका असंतोष बढ़ा आज बाड़मेर की धरती पर, भले 48 डिग्री पारा हो लेकिन राजनीतिक रूप से तूफान इन युवाओं के दिलों में दौड़ रहा है। आने वाले सरकार के 2 दिन है, मुश्किल भरे हो सकते हैं। एक बाड़मेर जिले में अगर इतने युवा है, प्रदेश भर में कितने बेरोजगार सड़कों पर है। सरकार भर्तियां नहीं निकालती है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर बिक जाता है, माफिया सक्रिय है हर जगह। सरकार की टेबलें जो है उस पर फाइलें भोला राम के जीव की तरह गायब हो गई है, भर्तियों का कैलेंडर गायब हो गया है, चूहे कुतरन कर रहे हैं फाइलों को, लेकिन युवा को आखिर बेरोजगारों को कब हक मिलेगा? बाड़मेर की धरती से आज हुंकार भरी है इन बेरोजगार पुरुष अभ्यर्थियों ने। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।